देश के बड़े रीजनल चैनल्स में शुमार खबरें अभी तक न्यूज चैनल्स ने एक और उपलब्धि हासिल की है। दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम के दौरान हमारे चैनल्स को बेस्ट भारत समाज रत्न अवार्ड 2018 के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। खबरों की दौड़ में खबरें अभी तक सबसे आगे, खबरें अभी तक को मिला बेस्ट रीजनल चैनल का अवार्ड। इस साल का बेस्ट रीजनल चैनल बना खबरें अभी तक। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने दी चैनल को बधाई। नंबर वन रीजनल चैनल बना खबरें अभी तक। मुझे बहुत खुशी है, मैं ऑर्गेनाइजर का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने ये अवार्ड से हमें सम्मानित किया। 4 अप्रैल 2017 को खबरें अभी तक की शुरुआत हुई तो जनता को ऐसा अधिकार मिला जिससे उनके मुद्दों को खबरें अभी तक ने एक नया मंच देना शुरू किया। जनता ने इस कोशिश को अपनी आंखों पर बैठाया और यही कारण रहा कि चैनलों की भीड़ में खबरें अभी तक ने न सिर्फ एक साल में वो कर दिखाया जो बड़े बड़े चैनल कई सालों तक नहीं कर पाते। दिल्ली में खबरें अभी तक को बेस्ट रीजनल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। भारत समाज रत्न अवार्ड हासिल करने के लिए खबरें अभी तक की टीम ने 24 घंटे जनता के प्रति ईमानदारी से काम में जुटी रही और इसी दौरान केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने खबरें अभी तक की पूरी टीम को इसकी बधाई दी और साथ ही बेस्ट रीजनल चैनल को सबसे आगे होने के साथ साथ नेशनल चैनलों में भी सबसे आगे होने की शुभकामनाएं दी। खबरें अभी तक न्यूज़ चैनल को बहुत बहुत मेरी शुभकामनाएं और मेरी उम्मीद है कि इसी तरह से एक बेस्ट रीजनल चैनल का उसको मुकाम मिला है, बेस्ट नेशनल चैनल भी। वही इस मौके पे खबरें अभी तक न्यूज चैनल के डायरेक्टर विशाल गर्ग भी उपस्थित रहे। उन्होंने इस अवार्ड को खबरें अभी तक की पूरी टीम की मेहनत का फल बताया है। उन्होंने कहा कि हमारा चैनल आगे भी इसी तरह खबरों को प्रस्तुत करता रहेगा और सभी प्लेटफॉर्म पर होकर जनता की आवाज बनता रहेगा। मुझे बहुत खुशी है, मैं ऑर्गेनाइजर का सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा जिन्होंने ये अवार्ड से हमें सम्मानित किया और मैं पूरी खबरें अभी तक की टीम को जिनके दिन रात के प्रयास की वजह से आज हमें अवार्ड मिला है उनका सबका अपने तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। वही कार्यक्रम के दौरान समाज में अच्छे कार्य करने वालों को भी सम्मानित किया गया। सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी खबरें अभी तक न्यूज चैनल को अवार्ड मिलने पर उनकी पूरी टीम को सराहा, जिसमें रश्मि खेत्रपाल ने कहा कि जो काम समाज ने जागरूकता फैलाने का खबरें अभी तक ने किया है आज उसी का नतीजा है कि उनको ये सम्मान दिया जा रहा है। मैं पहले तो ये कहना चाहूँगी कि उनको बहुत बहुत मुबारक कि उन्होंने अब तक जो काम किया उसको सहारा गया और जो काम खबरें अभी तक ने किया उनको अपने काम की वजह से मिला है। जिस तरह से वो समाज में जागरूकता ला रहे हैं अपने चैनल के द्वारा, हर वो मुद्दा जिससे समाज के अंदर जागरूकता पैदा हो सके, और यही तो मीडिया का काम होता है। मीडिया का काम होता है कि लोगों को सच्चाई दिखाना, और ये काम वो बहुत बखूबी से कर रहे हैं और इसके लिए मैं आज पूरी खबरें अभी तक की टीम को मुबारकबाद देना चाहूँगी और चाहूँगी कि आगे भी फ्यूचर में भी वो ऐसा ही करते रहें और इसी तरह समाज से जुड़े रहें। मीडिया में जिन खबरों को खबरें अभी तक प्रस्तुत करता है वो समाज में जागरूकता लाने वाली खबरें होती हैं और यही मीडिया का काम होता है कि लोगों को सच्चाई दिखाना, और वही काम खबरें अभी तक बेहतरीन तरीके से निभा रहा है। वही इस दौरान सामाजिक कार्यकर्ता नीना खन्ना ने कहा कि इस सम्मान को पाने के बाद अच्छा लगा है और इस तरीके से सम्मान मिलने से महिलाओं में काम का हौसला बढ़ता है और ये अवार्ड उन्हीं लोगों को समर्पित करती हूँ जिनकी वजह से ये उन्हें मिला है। इस दौरान उन्होंने खबरें अभी तक की टीम को बधाई दी। उन्होंने कहा कि खबरें अभी तक चैनल को जो अवार्ड दिया गया है वो काबिले तारीफ है क्योंकि खबरें अभी तक न्यूज चैनल ने समाज में अच्छे कार्य करने वालों को भी प्लेटफॉर्म दिया है जिससे उन लोगों को हौसला मिलता है। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है। मेरा पहले भी एक इंटरव्यू इस चैनल पे आ चुका है और ये चैनल बहुत अच्छा काम कर रहा है, तारीफ़ काबिल है। मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ इस अवार्ड मिलने पे। खबरें अभी तक को मिली इस अवार्ड से जहाँ खबरें अभी तक की पूरी टीम उत्साहित है तो वहीं टीम ने इस अवार्ड के लिए जनता का भी शुक्रिया अदा किया है। खबरें अभी तक के लिए गुलशन ग्रोवर की रिपोर्ट।